हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। हेलो सिद्धू जी। हेलो। हाय सिद्धू जी। हाय स्वीटी पाई। देखिए चलिए, आप मुझे इतना टेंशन दे ही रहे हैं तो ये बात भी बता दीजिए कि लेफ्ट आंख का फड़कना अच्छा होता है कि राइट आंख का? तेरी कौन सी फड़क रही है? मेरी फड़क तो कोई नहीं रही है, लेकिन आप जैसे बताएंगे वैसे फड़का दूंगी। राइट। ओके। अब देखते हैं शायद कुछ अच्छा हो जाए मेरे लिए। हाय विशाल। सॉरी, इतने दिनों बाद मिले ना हम लोग। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। ऐसी बात नहीं है, वैसे कैसे पहचानेंगे? मुझे तो शाहरुख खान भी नहीं पहचानते। मोदी जी भी मुझे नहीं पहचानते, तो आप कैसे पहचानेंगे? मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, आई एम बम्पर फ्रॉम 50/50 हॉस्पिटल। तो बताइए आपको क्या तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है बॉस, मैं एड्रेस पूछने आया था बस। ओहो, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। देखिए, एक खूबसूरत लड़की से आप एड्रेस पूछेंगे? फिर आप उसी लड़की को उस एड्रेस पे बुलाएंगे, फिर आप उसे पटाएंगे। अब आप ही बताइए, ये बीमारी नहीं है तो क्या है? यहाँ पर खूबसूरत लड़की है का? ओके ओके ओके, तो ये बीमारी है। ओ, आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। खूबसूरत लड़की सामने खड़ी हुई है, आपको ऐसे विजन क्लियर नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं आपका इलाज करती हूँ। आप यहाँ आइए, आप यहाँ आइए, बैठिए 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 बैठिए। अब आप मेरी समंदर जैसी आंखों में आंखें डालकर देखिए। इसे कहते हैं खूबसूरत लड़की। क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ पर वही हो रहा है जो एक जवान लड़के और एक खूबसूरत लड़की के बीच होता है। तुमने सोच कैसे लिया कि तुम सुंदर हो? ये मैंने ऐसे सोच लिया। मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ। देखिए आप जरा प्लीज अंदर जाइए, यहाँ पर ये पेशेंट बहुत सीरियस है, इलाज चल रहा है। एक्सक्यूज मी प्लीज। तुम चुप रहो, इनका इलाज मैं करूंगी। वैसे ही मैं इनका पहले से जानती हूँ। हाय हाय हाय। आप इनको पहले से जानती हैं इसलिए इलाज आप करेंगी? हाँ जी। वैसे इनकी जो मम्मी है ना, आपसे भी पहले से इन्हें जानती है, तो क्या मम्मी इलाज कर सकती है? आप आज शाम क्या कर रहे हैं? आज शाम को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ डेट पर जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी। ओह, थैंक यू सो मच। चलो लेट्स गो। यू गेट लॉस्ट। कौन है जो बम्पर को डांट रहा है? मैं डांट रही हूँ। तो मुक्का मारो तुम तो। डांटने से क्या होगा, इसको थप्पड़ पर मार, मुक्का मार, लात मार। और तुम क्या बैठी हो? गेट अप। गलती ये कर रही है? हाँ तो ब्यूटीफुल भी तो यही है ना। गेट अप। अंदर बेस्ट नंबर 3 के पेशेंट ने शलगम काटी है, जाके तड़का लगा। I love shalgam. तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? अंदर जाओ। गेट आउट। आप अभी तो सुनने बोला। हाँ, तभी ये नहीं आई थी ना। चलो सुनो सुनो, वो शलगम को तड़का लगा रही है बम्पर, तुम जाके सर्व करो। गुलाटी, हेलो। हेलो, नाइस टू मीट यू। डॉक्टर मिशेल गुलाटी। HDAPH मतलब? हमारा दिल आपके पास है। तो कुछ रहा है अंदर। As a doctor, आपका ट्रस्ट टेस्ट करना चाहूंगा मैं। ओके। प्लीज कम हियर। भूख मारिए। यही तो चक्कर है, ऊपर इसको थोड़ी आग लगी हुई है। यहीं खड़े रहिए। आप अपनी रिंग दिखाइए। आप मेरे साथ अंदर ऑपरेशन थिएटर में। ए, ये कहीं नहीं जाएगी। एक मिनट, हम पिक्चर देखने जा रहे हैं। कहीं नहीं जाएगी। नहीं। चलो आ जाओ आ जाओ। ये कहीं नहीं जा रही है, तुम यहीं रहोगी। ओह, आपको ट्रस्ट नहीं है। आप ट्रस्ट टेस्ट में फेल हो गए। अरे एक मिनट, आपके यहाँ कुछ है? एक्सक्यूज मी। Oh!
आप लोग अपने शो की कास्ट को बाहर ही छोड़ा यार। How dare you? और यहाँ की तो लड़कियाँ भी मुझे छेड़ रही थी, I don't know why. अरे यहाँ की लड़कियों को भरोसा मत करो, यहाँ टॉफी की पैकिंग में चिंगम आती है, तुम वो आम खराब है, पता नहीं कौन को लड़कियाँ समझ रही हो। मैंने बेहद का ट्रेलर देखा पाजी, और इतना मजेदार ट्रेलर है, और इसमें ऐसी प्रेमिका है ये जो इनको प्यार करती हैं, इस चक्कर में ये एक बाबा को हाथ दिखाती हैं कि हमारी आगे चल के जिंदगी कैसी रहेगी, और बाबा बोलता है कि खास नहीं है फ्यूचर, तो ये इनका घर जला देती हैं। I mean, तो अगर वो बाबा कहता कि आपका फ्यूचर बड़ा अच्छा है, तो आप बाबा को फ्लैट ले देती ना? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब सही बात है ना, आप किसी के पास इतनी उम्मीद से जाता है कि बाबा जी प्लीज बताइए, जैसे कुशाल लेकर गए थे वहां पर कि हमारी शादी कैसी होगी, शादी अच्छी नहीं होगी, अरे ऐसे कोई बोलता है क्या, झूठ ही बोल दो यार। Actually, तो अगर अच्छा बोलता तो मैं शायद उनके लिए महल खड़ा कर देती, लेकिन बुरा बोला तो मैंने उनकी झोपड़ी जला दी। ऐसा मुझे कभी कोई प्यार करने वाली मिली नहीं। हद से ज्यादा कुछ नहीं अच्छा होता कबीर। मैं तो कहता हूँ हो ही जाए हद से ज्यादा अभी, क्योंकि हद तक भी नहीं कुछ हुआ। तो मैंने सुना कि आप फोटोग्राफर बने हैं उसमें। बिल्कुल। अच्छा आजकल हर बंदा अपने हाथ से सेल्फी ले लेता है, आपको लगता है घाटे का प्रोफेशन? इसीलिए मैंने किया है, जो मेरा काम है वो दुनिया कर रही है, मैं बैठ के आराम से एंजॉय करूंगा। ऑफिस में ये मेरे इंटर्न हैं। अच्छा। काम के अलावा ये सब कुछ करते हैं। एंड जुगाड़ू है, चामर है, और जुगाड़ से सारी लड़की को मतलब अपने बातों से फंसा लेता है। अच्छा। अब माया कैसे फंसती है और मेरी दोस्त सांझ कैसे फंसती है? फंसी हुई है। हमारा शो शुरू हो रहा है मंडे टू फ्राइडे 9 o'clock ऑन सोनी टीवी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यंग लेडी। थैंक यू। बंदे सारे फिट हैं, शो पक्का हिट है। ऑसम, थैंक यू सो मच। ओके, दैट मींस अ लॉट। थैंक यू सो मच जेनिफर, कुशल एंड अनेरी, विश यू ऑल द बेस्ट। सो आर यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू जेनिफर। भाजी आज हमारे बीच वो फनकार आ रहे हैं जो पिछले 20 साल से खूबसूरत म्यूजिक से हम सबको एंटरटेन करते आ रहे हैं। ये वही हैं जिन्होंने दिल चाहता है, कल होना हो, कभी अलविदा ना कहना, बंटी और बबली, तारे जमीन पर, माय नेम इज खान, और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी फिल्मों के म्यूजिक को सुपर हिट ही नहीं बल्कि यादगार बना दिया। प्लीज वेलकम द अमर अकबर एंथनी ऑफ इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री, मिस्टर शंकर एहसान एंड लॉय। बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठिए, आते ही भुक्कड़ों की तरह शुरू हो गए, करेंगे वो सेटल डाउन तो हो लेने दो। शंकर सर, एहसान सर, लॉय सर, आप सबका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीराने में भी चले जाएं तो उसे गुलशन बना देते हैं। वाह। अपने संगीत और सुरों से हर महफिल को सजा देते हैं, क्योंकि गीत अमर कर देने का करिश्मा है जिनके पास, अरे जुगनू को भी छू दे तो चमकता सितारा बना। सर आप सबका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है, आइए प्लीज। ये सोफा जो है आपके लिए बकायदा पेस्ट कंट्रोल करवाया गया है। अच्छा मैं क्योंकि म्यूजिक का बहुत बड़ा फैन हूँ और आप तीनों का इतना बड़ा फैन हूँ, मैं शंकर सर से तो मुलाकात होती रहती है। एहसान सर, आप लॉय सर, आप मुझे जानते हैं? हाँ मैं जो सर सबसे पहले तो आप सबको मिस्टर कपिल शर्मा। माय नेम इज टॉम लॉर्ड। सर आप तीनों को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। मिर्जा का म्यूजिक जो है, आपके पहले जितने भी एल्बम्स आए हैं, जितने भी पहले आपने फिल्मों में म्यूजिक दिए हैं, एज यूजुअल लोग बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच सर। ये मजाक नहीं है, हकीकत है। जो आज आपने म्यूजिक आके यहाँ बरसाया है ना, रिमझिम बरसात की तरह, कसम से कह रहा हूँ 250-300 एपिसोड हो गए, आज नवजोत सिंह सिद्धू नाचता हुआ दूसरी बार स्टेज पे गया। दूसरी आज आप तीसरी चौथी पांचवी बार भी आएंगे, अभी तो मामला शुरू हुआ है। नहीं, आत्मा को छू लिया। थैंक यू वेरी मच। आत्मा जगा दी, एकदम से बंदा खड़ा हो गया, सरदार खुश हुआ। मिर्जा में हम लोग दो इरा की कहानियां साथ साथ चलते हुए देख रहे हैं, एक कंटेम्प्रेरी मिर्जा है और एक मिर्जा जब हुआ करता था उस जमाने में। अच्छा शंकर सर ने जैसे गाया है, आप उस जमाने में होते थे, आप आवाज देते ना वो मिर्जा वापस आ जाता सर, मुझे ऐसा लगता है। मिर्जा एक बार तो ओहो शंकर जी आया मैं। सर आपने फिल्म में म्यूजिक भी दो इरा का ही क्रिएट किया है, एक तो कंटेम्प्रेरी और एक
जब मिर्जा दिखाया गया है कि असल में मिर्जा जिस पीरियड में था? एक्चुअली ऐसा नहीं है. अच्छा. पूरा जो स्टोरी है इट्स वोवन अराउंड द म्यूजिक. पहला हम लोगों ने म्यूजिक क्रिएट किया. ओके. जैसे स्टोरी बढ़ता जाता है टाइम जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसे जाता रहता है जी. तो बट द म्यूजिक जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है. ओके. जो मतलब जो उस जमाने के प्यार की जो गूंज है वो आज भी होनी चाहिए. सो दैट इज बेसिकली द थिंग. तो बेसिकली जो स्टोरी टेलिंग है वो म्यूजिक के थ्रू ही दर्शकों को बताई जा रही है. नॉर्मली फिल्म में आप देखें 5 गाने होते हैं, इस फिल्म में 15 गाने हैं. तो सर पेमेंट कितनी फिल्मों के लिए आपने? क्योंकि क्या है कि कुछ गाने छोटे जी, कुछ गाने बड़े. ओके. तो वजन के हिसाब से हमें पे कर रहे हो. अच्छा. जो लंबा गाना है उसके लिए और पैसे मिले. ओके. एकदम छोटी सी जो गाने जी लाइक 30 सेकंड्स है उसमें कुछ 2000 रुपये मिले. अच्छा हो गया हमने अपने वजन के हिसाब से पेमेंट दे. आप जानते हैं सबसे ज्यादा किसको मिलता पेमेंट है ना? इस फिल्म के गाने जो गुलजार साहब ने लिखे हैं हिंदी और उर्दू के ऐसे ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि अच्छे अच्छे हिंदी समझने वालों को भी कभी कभी 6 महीने लग जाते हैं. तो ऐसे मुझे एक्चुअली पहली बार पता चला था कि किसको बोसा कहते हैं. गुलजार साहब के गाने में था बारिश का बोसा. मैं डोसा ही पता था मेरे को, बोसा मेरे को पता नहीं था. तो सर आप जब उनके गाने कंपोज करते हैं तो आपको कोई ट्रांसलेटर लगता है कोई, मतलब पहले उनको तो आपको शंकर सर एहसान सर बताते हैं? हम लोग गुलजार साहब को भी बहुत हम लोग तंग करते हैं ये इस शब्द का क्या मतलब है. वो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन हम लोगों का जो वोकैबुलरी है हिंदी तीनों का मिला के मतलब आप सिर्फ टेलीग्राम भेज सकते हो इतना वोकैबुलरी. फिर भी हम लोगों के साथ मिल के द वे ही वर्क्स विद अस हमारे लेवल तक आके एंड इज सो एनकरेजिंग, इट्स अनबिलीवेबल. सर गुलजार साहब की बात करें, हीरे तो बहुत हैं संसार में लेकिन कोहेनूर शताब्दियों में एक बार आता है. करेक्ट सर. वी लव यू गुलजार साहब. अच्छा आप सबने हमारे देश के जो महान लिरिसिस्ट हैं गुलजार साहब, जावेद अख्तर साहब, आपने दोनों के साथ काम किया है, तो सर आपको क्या डिफरेंस लगता है उनके गानों में? वन ऑफ देम गुलजार साहब ही इज सरियल बोलेंगे तो आसमां के सिरे खुल गए, यू नो स्टफ लाइक दैट. तो वो जो नॉर्मल चीज़ें हैं जी उसको लेके एक नेचर के साथ जोड़ के वो इमेजिनरी वर्ल्ड एक क्रिएट करते हैं. जावेद साहब का ऐसा है कि सिंपल सी बात में वो बहुत बड़ी बात कह देते हैं. शंकर जी, एसन जी, लॉय जी, ये तो 3G हो गया. इसे अगर आप दलेर पाजी को साथ में लेके आते ना तो मुझे चलता, मेरे पास 4G भी है. इसे कहते हैं सच्ची कलाकार. आप ही ना ऐसे धनाधन धनाधन जोक पे जोक मारे जा रहे. गॉड, वैसे कैसे हैं आप लोग? फैंटास्टिक. आपको देखने के बाद तो और ही अच्छा. I would like to introduce myself in a musical way. Sir, I'm big fan of Triumph. You big fan. वैसे मैं आपको बता दूं कि ये तो सिर्फ आपकी बड़ी फैन है, मैं तो एग्जॉस्ट फैन हूँ आपका. फैन हो के मैं एग्जॉस्ट ही नहीं होती. नहीं सच में एहसान जी, मैं आपको बताऊं, आपका तो डायलॉग भी मुझे याद है. मुझ पे एक एहसान करना, मुझ पे कभी कोई एहसान ना करना, आपका ये ना. एक्सक्यूज मी, शंकर जी की कसम ये तुम पे तो लॉय भी ना करे. ये कौन से ग्रह से आती है, किस भाषा में बात करती है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है. और वैसे भी सर पे पौधा क्यों उगा रखा है आपने? एक्सक्यूज मी, ये इको फ्रेंडली जूड़ा है, मिट्टी तो बालों में रहती है तो बारिश हुई तो पौधा निकल आया. मिट्टी किसके बालों में रहती है? चलिए रहने दीजिए. वैसे शंकर जी, एसएन जी, लॉय जी, आप लोगों को जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि आपसे प्रभावित होकर हमने भी अपना बैंड बनाया है. yes. तू जाके कहीं 40 अंडों का ऑमलेट बना अपने लिए. तू बैंड कैसे बना लिया? आता पता भी है कुछ बैंड का तुम लोगों को? देखिए हमें आता भी है, पता भी है, और मेरी मेंटर मंगेशकर लता भी है. हमारे लीड सिंगर को मैं बुलाना चाहूंगी अगर आप मुझे आज्ञा दें तो. आज्ञा है. ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे बैंड के लीड सिंगर. आई एम डॉक्टर मिश्र गुलाटी, NRIT. NRIT मतलब न्यू रॉक स्टार इन टाउन. <laughs>
वैसे आप लोगों का बैंड है, I must tell you, हम तीनों का भी एक बैंड है, हेलो। बट हमारा थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है मतलब? मतलब जैसे ये परफॉर्म करते हैं तो लोग आ जाते हैं स्टेज के ऊपर डांस करने के लिए, हम लोग परफॉर्म करते हैं तो पिछली बार क्या हुआ, मेरे को लोगों में जाना पड़ा। मेरे को लोगों ने बुला लिया। डॉक्टर साहब, वो जो ऐसे यहाँ से पकड़ के ऐसे, उसको बुलाना नहीं कहते, उसको घसीटना कहते हैं। मैंने देखा आपका वो शो। जो भी है, मैं तो ये कहता हूँ लोगों में मेरा क्रेज इतना है कि लोग पागल हो जाते हैं, मुझे अपने सिर पे बिठा लेते हैं। हालांकि इन्होंने इम्प्रोवाइज किया है, सर पे बिठाते नहीं है, इनको लिटा के इनकी बॉडी पे चढ़ जाते हैं। इनको कहते हैं कि हमें अपने गुरु का नाम बताओ, हमें दोनों को साथ में मारना है ऐसे। गुरु को भी साथ में मार रहे हैं। वो कहते हैं किसने सिखाया, उनको लेके आओ। अब वो आ नहीं सकते क्योंकि उनका काम है कुल्फी बेचने का। यकीन है ना? नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा। नहीं, वाह। नहीं, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। आपको सभी लोगों की सब जानकारी होती है ना, इन हमारे कॉन्सर्ट में क्या हो रहा है, किसके घर में क्या चल रहा है, बाथरूम में क्या चल रहा है, सब पता होता है। ऐसे कैसे कर लेते हैं आप, अपना नाम कपूर शर्मा से बदल के गूगल शर्मा क्यों नहीं रखते? बब्बर, तुमसे मैं एक बात कहनी भूल गया। वो आए थे तुम्हारे चाचा जी, वो मैसेज देख गए थे, कहते गट अप। आपको शायद पता नहीं है कि डॉक्टर मशहूर गुलाटी कितने इंटेलिजेंट हैं। इन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल करके कुछ ऐसा किया है कि हमारा हर शो हाउसफुल होता है। I'm sure, sir. Yes. तकनीक निकाली है जी हमने। जैसे सिद्धू साहब, कोई इनका प्रोग्राम होता है तो एंट्री फीस रखते हैं, हम एंट्री फीस रखते ही नहीं है। एंट्री फ्री, हम एग्जिट फीस रखते हैं। एंट्री में तो क्या है, 100 रुपया भी आदमी बड़ी मुश्किल से देता रहता है, एग्जिट में 10,000 रुपया देने के लिए तैयार हो जाता। और वैसे आपके बैंड में और हमारे बैंड में एक और छोटा सा फर्क है। आप लोग जो है बड़ी बड़ी फिल्मों में संगीत देते हैं, हम ऐसे छोटे मोटे मौकों पे भी संगीत दे देते हैं। क्या हम बड़े छोटे का ना भेदभाव नहीं करते? तुम तो दे देते हो म्यूजिक, सामने वाले लेते हैं कि नहीं लेते? ऑफ कोर्स लेते हैं। अभी आप बर्थडे पार्टी ले लीजिए, मुंडन ले लीजिए, किटी पार्टी ले लीजिए, कई बार तो लोगों के चौथे पे भी हम म्यूजिक दे देते हैं। तुम्हारी माँ ने बताया नहीं ये गाना इनका है? अरे आप उनके सामने उनका गाना सुनाए जा रहे हैं आप? अच्छा, इनका गाना है तो? ओहो, आपको पता नहीं, आपका गाना रेडियो में बहुत बजता रहता है। मेरे को लगा ये कोई लवारिस गाना है, तो मैंने वहां से उठा लिया और इनको दे दिया। नहीं, पता नहीं था, पता नहीं था, पता नहीं था आपका गाना। कोई बात नहीं, आपको मैं ओरिजिनल गाना सुना देता। ओरिजिनल, ओरिजिनल। गुलाटी। तो चीयर कर लीजिए कि डरा रही है मेरे को। मेरा मैं मर जाना था अभी। थोड़े दूर रखे क्या करे सब। Water for you. I have water. Water. ये कौन पानी पिलाता है भाई ऐसे? डॉक्टर साहब, आपने गाना शुरू करना है, कॉन्सर्ट आपका खत्म हो गया, टाइम खत्म हो रहा जा रहा है आपका। गई गई गई। 10 बजे तक परमिशन है, 9:45 आपको जूते पड़ेंगे। आपके ये बैंड का नाम क्या है? नाम में क्या रखा है, मेरे को शेक्सपियर ने कहा था। आपसे कहा था? आपसे सबसे कहा था, तो सब में मैं भी आ गया ना यार। नाम में क्या रखा, तो मैं कहता हूँ भी मेरा नाम में रख दो बैंड, उसमें क्या है, मेरे को कोई लालच नहीं है। नहीं, अगर आपको सच में लालच नहीं है तो मैं अपने नाम से शुरू कर लेती हूँ। हमारे बैंड का नाम होगा बम्पर मशहूर विद्यावती। अच्छा, इधर आ। हाँ, तेरा गिटार दे मेरे को। हाँ हाँ, लीजिए ना, आपको गिटार का तो कितना शौक है आपको। ये नाम से क्या होगा भाई?
एक मेरी तरफ से भी वोट देना था आपको. देखो नाम पहले मेरा आएगा, अगर मेरा नाम पहले नहीं आया ना मैं सबके लगा दूंगी. अरे सुनो मेरी बात, आप लोग लड़की रहे हो, किसी का भी नाम आगे लगा लो, टैलेंट तो आप में से किसी में भी नहीं है. देखिए ये आपने बहुत गलत बात कह दी, बहुत गलत बात कह दी. अगर आपको डाउट है तो हम अभी दिखा देते हैं. वी हैव बुफेस ऑफ वॉइसेस. सबसे पहले मैं शुरू करूं. विद्या यू नीड माइक? या आई विल. डू यू नीड गिटार? नो थैंक्स. ये गाना भी आप ही नहीं बना, आप लोगों ने? यस एग्जैक्टली, एकदम ओरिजिनल है ना. बहुत बहुत थैंक यू सो मच. ये हमने स्कूल में बना लिया था. Your turn, Bumper Challenge. Show your talent. मेरी बारी है. Yes, yes, come. कुछ भी. बस मैंने अपना टैलेंट दिखा दिया. थैंक यू वेरी मच. गुलाटी जी अब आपकी बारी है. ये गाना था. मेरे को लगा गला साफ कर रही है. चलो कोई नहीं. आपको क्या आता गुलाटी साहब? आई एम अ गुड लर्नर. अच्छा आपको पता है मैं सीखता बहुत जल्दी और अच्छा हूँ. जैसे डॉक्टरी फॉर एग्जांपल, मेरे को फिल्में देखना शौक था सिद्धू साहब, मैंने ना फिल्मों में डॉक्टरी देख देख के सीख लिया ना, बिकेम अ डॉक्टर. वेरी गुड. मैं सब कुछ बोल लेता हूँ, आपके पास समय कम है, आपने आने में देरी कर दिया, एंड इट्स परफेक्ट. इसी तरह से अगर आप मुझे वो ब्रेथलेस सिखा दें शंकर साहब, वो तो बहुत इजी है. मैं आपको अभी कभी परफॉर्म करके दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा. कोई बात नहीं, साइलेंस, कोई बात नहीं. वो थोड़ा सा मर गए हैं, कोई बात नहीं. नहीं 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 नहीं, साहब को कुछ हो गया, पहियों वाला पलंग लाइए जल्दी. पाजी ये ब्रेथलेस क्या गाया है? आप तो शंकर सर मतलब इंडिया से श्रीलंका अंडर वाटर स्विमिंग करके जा सकते हैं. इतना खतरनाक गाया भाई. मिर्ज़ा जो फिल्म है, एक लव स्टोरी है जिसमें मिर्ज़ा के जो होने वाले साले थे, साहिबा के भाई, वो मतलब चाहते नहीं थे कि मिर्ज़ा साहिबा आपस में मिलें. तो ये उसी के ऊपर फिल्म है ये. और बाद में कैसे उनकी लव स्टोरी बढ़ती 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 आगे चल के दोनों को अपने प्यार के लिए जान देनी पड़ती है. अच्छा शंकर सर, हमने सुना है जो आपकी पर्सनल साहिबा हैं, हमारी भाभी जी, मैंने सुना उनके भाई भी आपको मिलने नहीं देते थे. अच्छा सुना है कहीं हमने, इज इट ट्रू सर? बहुत हमने मतलब ऑलमोस्ट मिर्ज़ा साहिबा का ही कहानी मेरे साथ भी हुई है. एंडिंग ऐसा नहीं है. भगवान ना करे कभी किसी की हो ऐसी. एक्चुअली वी वर चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स. वो 8th स्टैंडर्ड में थी और मैं 11th में था. अच्छा तब से हमारा जो लव स्टोरी है वो शुरू हुआ. और सर जो म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं महान, आप जैसे ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर, वो तो कहते हैं बचपन से ही मेरा संगीत की तरफ ध्यान था. आपका मतलब बचपन से ही? बचपन से ही. बचपन से इसकी अटेंशन म्यूजिक तरफ नहीं थी, संगीत तरफ, संगीता तरफ थी इसकी. मतलब आप संगीत की आड़ में अपने रोमांटिक पने को छुपा रहे हैं. बड़ी बड़ी बात है यार, समंदर भरा होता है कहते किसी कलाकार के अंदर, प्यार का समंदर भी आप में कूट कूट के भरा है. 11th स्टैंडर्ड से. वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट. सर आपका भी कभी ऐसे लोचाई उल्फत हुआ है बचपन में कभी? लोचाई उल्फत मैंने मतलब इसकी बाल गिर गई, देखो इतनी टेंशन से इसकी बाल ही गिर गई. मतलब हुआ है बचपन में आपका भी ऐसा? हुआ कि अब बोल ही नहीं पा रहे हैं, क्या हुआ था? आपको पता भाई जी, शंकर सर पहले इंजीनियर थे और एहसान सर लॉस एंजलिस में म्यूजिक पढ़ने के लिए गया, म्यूजिक पढ़ने के लिए गए थे. लॉयर सर जो हैं दिल्ली में काम करते थे. तो सर आप आपस में मिले कैसे थे? मुकुल आनंद जी के वजह से, क्योंकि मैं इनके लिए एड फिल्म्स करते रहता था जी. एक दिन वो मुझे बुलाए अकेले कि अपने ऑफिस में आना, मेरी बात करना है. तो मैं गया, सोचा कि कुछ एड फिल्म के लिए मीटिंग होगी.
सो आके बोला कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जी, और मैं चाहता हूँ कि आप एक गाना करो इसके लिए। तो सर देखिए, मैं इन दोनों के साथ तो काम करते ही रहता हूँ जी, तो तीनों साथ में, तो वो लोग जितने भी चाहे ज्वाइन कर रहा हूँ, मगर एक गाना कर दे। सो ट्रायल से हम लोग कर रहे थे एक गाना जी, तो वी कंपोज समथिंग, और मुहूर्त के दिन जो प्रोड्यूसर्स आए और देखे, वो मुगल आनंद जी से पूछ रहे थे कि म्यूजिक डायरेक्टर्स कौन है। देखिए वो तीन जो खड़े हैं ना, वो तीनों म्यूजिक डायरेक्टर। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ढोलक वो लोग ढोलक प्ले करने के लिए आ रहे, ढोलक सेक्शन। अच्छा, देखिए वो जो तीन खड़े हैं ना, उन लोग ही कर देंगे प्रोग्राम। अच्छा अच्छा, तो फिर वो जो वायलिन सेक्शन सब आ रहे, उसको नहीं बुला रहे। देखिए वो जो तीन खड़े हैं ना, उन लोग ही वायलिन करें। तो फिर और अरेंजर कौन है? वो तीन जो खड़े हैं उन लोग ही अरेंज। तो अभी एक गाना गाने कौन वाला है? वो बीच में खड़ा है ना, इधर बीच में। तो उन लोग सोचे कि दिस सॉन्ग इज गोइंग टू बी अ सुपर डुपर फ्लॉप। अच्छा, तो शाम को जब उन लोग वापस आए, तो उन लोग गाना सुने, इट वाज अ सॉन्ग कॉल्ड चांदनी। वो गाना उन लोग सुन के बोले कि वी वांट यू टू डू द होल फिल्म। क्या बात, एक ही ऐसे इत्तेफाक से इट बिकेम अ करियर। वी नेवर, इट वाज नेवर अ प्लान। आई थिंक कि फेट एंड यू नो गॉड पुश्ड अस इन दिस डायरेक्शन टू बी टुगेदर। ये मुकुल आनंद साहब की जिनकी फिल्म की बात कर रहे हैं 10, तो मुकुल जी का देहांत होने की वजह से ये फिल्म उस समय रिलीज नहीं हो पाई, लेकिन इसका गाना इतना पॉपुलर हो गया था, सुनो गौर से दुनिया वालों, आज भी जब कभी 15 अगस्त 26 जनवरी या कोई भी पेट्रियोटिक फंक्शन होता है, ये गाना बजे बिना वो माहौल वो महफिल पूरी नहीं होती। आपने गाना गाया और मेरे अंदर से शेर फड़क के बाहर आया। हम भी दिल रखते हैं, सीने में जिगर रखते हैं, इश्क सौदाए वतन रखते हैं और सर रखते हैं, ये माना ना जोर ही रखते हैं ना जर रखते हैं, मगर हिंदुस्तान के लिए वलवला जोशो मोहब्बत मगर रखते हैं। आज तो ऐसा लग रहा बॉर्डर पे बैठे हुए हम। चलिए तालियां। अच्छा सर, आप जब म्यूजिक क्रिएट करते हैं तो आपस में तीनों तो जैमिंग करते हैं, लेकिन हर किसी का एक अपना अपना यू नो एक अंदर ही रूह सा ही होता है कि कभी आप किसी खास जगह पे बैठते हैं, किसी खास एनवायरनमेंट में, तभी ऐसे आइडियाज आते हैं। जैसे मुझे नहाते हुए आते हैं ज़्यादातर, मोस्टली आई क्रिएटेड दिस शो इन वॉशरूम ओनली, आई मीन द कॉन्सेप्ट। ऐसा कुछ होता है कि मौसम का असर होता है? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, ये सब वहम है कि मतलब बहती हुई नदी होनी चाहिए, शांत वातावरण होनी चाहिए, झाड़ होनी चाहिए। एक्चुअली जो है थोड़ा सा डेडलाइन होनी चाहिए। मतलब कि एक बार जब हम गए थे गोवा, वी स्टेड एट द हॉलीडे विलेज करण जौहर के साथ, हम कभी अलविदा ना कहना का म्यूजिक कंपोज करने गए थे। हम वहाँ बैठे 5 दिन के लिए और एक भी गाना नहीं ले कंपोज। अच्छा। क्योंकि हम लोग वहाँ आराम से बीच वाटर नाइस हॉट सन, एक भी आइडिया, वी डिडंट गेट अ सिंगल आइडिया। आपके आने से पहले ना हमें इस बात पे बड़ा गर्व था कि हमारे यहाँ पे लोग 10-10 घंटे बैठे रहते हैं, आप तो 2-2 मिनट बाद खड़े करवा रहे हो। लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, क्या बात है सर, जोरदार तालियां। सर दैट वाज VVS। व्हाट इज दैट? VVS, वेरी वेरी स्पेशल। वेरी वेरी स्पेशल। ऑल आई कैन से इज दिस शो इज VVS। ओह थैंक यू सर। भाजी आपको पता है लॉयर सर ने एक बड़ा ही खूबसूरत कंपोज किया था टाइटल ट्रैक, शाहरुख भाई, शाहरुख खान साहब। अच्छा। उनका पहला सीरियल था फौजी, तो उनका जो म्यूजिक है वो लॉयर सर ने दिया था। सर आपको नहीं लगता आजकल एक और लड़का उसका शो बड़ा हिट है, उसका कुछ बन सकता है? अभी बनाते हैं, एक हो जाए लाइव सर, कुछ भी। कुछ लाइंस दे दीजिए ना सर, कुछ भी पता भाई। बात है कि जो होना है वो हो, जो होना है वो हो, तू खा पी के सो, ये है कपिल शर्मा शो। उससे पहले भूलना देखा देखना। हाँ। कपिल शर्मा शो, ये है क्रिएटिविटी का कमाल। बहुत क्या बात है सर, कमाल है, बैठे बैठे बना दिया यार। तो शंकर एहसान लॉय हमारे सामने हैं, आपके चहेते म्यूजिक डायरेक्टर। आप लोग जो भी बात करना चाहते हैं एक एक करके अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं जी। सबसे पहले कौन? आजी भाई साहब जी। भाई साहब, हेलो एवरीवन। हेलो, मेरा नाम विजय जायसवाल जी, बिहार मोतिहारी जिला फुलवरिया से हूँ। अच्छा सर, मेरा सवाल शंकर जी से है। सर आपने 18 साल से संगीत लाइन में हैं, आपने हिंदी गुजराती मराठी तमिल सारे गाने गाए हैं, आज तक सर आपको मैंने भोजपुरी गाने सुनते हुए नहीं देखा।
एक्चुअली पहला ऑलमोस्ट हमारा जो पहला फिल्म था शूल, जिसमें उसमें हमने गाना किया था, वो गाना इतना बड़ा हिट था और उसका अंग थोड़ा सा जो था ना वो भोजपुरी अंग था जी। और कोई मेरे दोस्त जी? भाई साहब हेलो एवरीवन। हेलो, मेरा क्वेश्चन ईशान सर और लॉयड सर से है। आपका नाम क्या है? पवन। पवन जी, पवन कहाँ से हैं आप? उल्लासनगर से। उल्लासनगर से, हाँ जी। सर नॉर्मल लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए गिटार सीखते हैं, तो सर आपने भी कुछ ऐसे लड़की को इम्प्रेस करने के लिए गिटार सीखा या आपका पहले से ही प्लान था म्यूजिशियन का? मैं सोचा था कि लड़की इम्प्रेस हो गए मगर हुए नहीं, प्रॉब्लम वही है। तो आई प्लेड फॉर देम एंड ऑल दैट, मगर कुछ रिएक्शन तो मिला नहीं, मैं वैसा ही रह गया। पर एक्चुअली सर ये लड़के ने सही सवाल पूछा, मेरे कॉलेज में भी ना तो मैं पॉपुलर था काफ़ी कॉलेज में, मतलब हैंडसम भी काफ़ी हूँ वो तो। अच्छा मेरा एक और दोस्त है, वो मेरे जितना हैंडसम भी नहीं है बाजी, पर हमेशा लड़के उसके साथ। ओ वाह। सर एक्चुअली हम लोगों ने रॉक ऑन में और फिर रॉक स्टार में रणबीर कपूर और अर्जुन रामपाल को देखा, सबने बड़े बड़े लंबे लंबे बाल टैटू बनवाए, तो गिटारिस्ट के इमेज ऐसी बनाते हैं, आपका कभी नहीं दिल किया दोनों का टैटू बनवाएं? मैं सोच रहा था कि मैं टैटू बनाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है कि शायद दुखेगा ज्यादा, इसलिए तो आई डोंट डू। अच्छा, इसलिए लंबे बाल रखने का कभी दिल नहीं किया? कोशिश किया एक दो बार मगर अच्छा लॉयर सर से मैं ये तो नहीं कहूंगा बाल क्यों नहीं लंबे रखे, पर टैटू तो आप बनवा सकते थे, जगह काफी आपके पास। पर वो ये जो अपने काम में मगन रहते हैं उनको ये सब चीजों का ध्यान नहीं रहता, दैट्स व्हाई दे आर शंकर एहसान एंड लॉय। शुक्रिया पवन। थैंक यू सर। धन्यवाद जी। और कोई मेरे दोस्त? जी जी सर नमस्कार। मेरा नाम मन्नू भाई है। जी सर। हम तीनों अमर अकबर एंथोनी से मिलके बहुत खुशी हो गई है। थैंक यू, शुक्रिया। और मुझे आप थोड़ी आज्ञा देंगे तो हम एक गाना थोड़ा सुना। आपको गाना है? जी जी सर, एक दो पेरा। सर आपने रुमाल से क्यों पकड़ा हुआ माइक गर्म है? अच्छा बहुत मजा आया सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर इतना मजेदार गाना सुनाने के लिए। तो शंकर सर हम लोग एक सिटी केबल की प्रोग्राम बनाते हैं, आप आए हैं तो आज हम लोग प्लीज जल्दी से सेटअप लगाया जाए। तो देवी और सज्जनों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सिटी केबल के प्रोग्राम में। तो आज के हमारी डिबेट का मुद्दा है कि हिंदी सिनेमा के गीत मतलब के होते हैं या बेमतलब के। तो इस विषय में हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं कुछ मतलब के लोग और कुछ बेमतलब के लोग। तो मतलब के लोगों में से हमारे साथ मौजूद है मुंबई से शंकर एहसान और लॉय साहब, और बेमतलब लोगों में से हमारे साथ जुड़ी हैं बेमतलब 80 रोटियां खाने वाली औरत और बेमतलब औरत घूमने वाला इंसान। हम बेमतलब औरत नहीं बने हैं, इससे घर बार चलता है हमारा, समझे? रोहित साहब आप चलती डिबेट में कैसे घुसा है? चलती डिबेट में आता है, रुकी हुई डिबेट में कौन आता है? मैंने कल इस आदमी को इसकी शर्ट पकड़ के ऑलमोस्ट मैंने नाक पहुंच दिया था, ये फिर भी आ गया। ओ माय गॉड, शंकर एहसान लॉय साहब आए, मैं आपका बड़ा फैन हूँ, मुझे ऐसा लगता है जो आप जितने भी गाने बनाते हैं वो सारे मेरी ड्रिंकिंग हैबिट्स के ऊपर बनाए। तो आपका गाना था मन मगन मगन मगन, मैं इतना मेरे को अच्छा लगा, मैं दिन पी रहा था, मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मेरे को समझ ना आया कि गाने की वजह से टूट रहा हूँ कि दारू की वजह से। मेरे को बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छा हुआ। थोड़े दिन पहले गणपति जी आए थे, आज शंकर जी आए, बहुत अच्छा लगा। चलो भाई शुरू करो यार। जी जी बैठिए प्लीज अरोड़ा साहब। शुरू हो चुका है, करो क्या? तो फिर खत्म हो जाओ। तो जी चर्चा शुरू करते हैं हमारी डिबेट पे। बड़े तुम करो चर्चा, मेरे पहले बड़े चर्चे हैं। आप बताइए आपको हिंदी सिनेमा के गानों से क्या प्रॉब्लम है? अरे जीतू साहब मेरे को पहले उस गाने से बड़ी प्रॉब्लम थी, भी कहती पौ कहती पै, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, लेकिन जब से मैंने इस आदमी का मुंह देखा वो मेरे को गाना ठीक लगने लगा। कहती पौ कहती पै, ये कोई गाना हुआ यार? हाँ जी मैं आपके मुंह पर जो पौ करता हूँ। गुस्सा नहीं किया, मुझे तुम पे कॉन्फिडेंस है, तुम कहीं पे भी गोबर कर सकते हो।
तुम और ये कहीं पे भी कर देते हैं। आप थोड़ा सा क्या मुंह संभाल के बात कीजिएगा। तू अपना मुंह संभाल, टीवी से बाहर जा रहा है। अरे नहीं जाएगा, हम अपने कंधों से मुंह को बांध के आए हैं, कुछ नहीं होगा। प्लीज आप लोग मुद्दे से मत भरकिए, प्लीज प्लीज मुद्दे पे रहिए। तेरे मौजिल मेहमान। ओए मेरी बात सुन मौजिल, तेरे को ये शब्द करोड़ा साहब प्लीज प्लीज, ये डिबेट चल रही है। मौजिल कहता मौजिल, ऐसा लग रहा है इसके मुंह में जुराब फंसी हुई है। अगर तुमने इतना हैवी उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल किया, अगर तेरे मुंह में शब्द फंस जाता, तुम्हारी सांस अटक जाती, कौन सी मजदार होता। प्लीज अरोड़ा साहब प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या जितने भी गाने आते हैं हमारे हिंदी सिनेमा में, वो सारे रियल होते हैं? जैसे हवन करेंगे ये गाना है, बोल तो दिया गाने में हवन करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। कई गाने ऐसे होते हैं जी 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 जो पिक्चर के सिचुएशन को देख के बनाए जाते हैं, जैसे हम हैं, और कई गाने बस ऐसे आइटम सॉन्ग बन जाते हैं जैसे ये। और यार कर लो यार, मैंने आप प्लीज अरोड़ा साहब, आप क्यों मुद्दे से भटक जाते हैं? बारिश में दो चीजें होती हैं, एक तो मेंढक बाहर आते हैं, दूसरा ऐसे बच्चे होते हैं। चलो भाई इंटरव्यू करो आगे। जी शंकर सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर संतोष की शादी होती है तो कौन सा गाना बजेगा? दुल्हन नहीं हम तो दुकान ले चले। क्या तरीका है ये बात करने का? जुलिया बेटे जुलिया, अकेला देख के दबा रहे हो उसको। आप इनको अकेला बोल रही है? ये अपने आप में पूरा मेला है। अरोड़ा साहब आप फिर मुद्दे से भटक रहे हैं। यार तुम्हारा मुंह तुम्हारी बॉडी से भटका, मैंने कुछ कहा? अच्छा हमको सवाल पूछना है, जब म्यूजिक एक ही आदमी दे सकता है तो फिर आप तीन लोगों को म्यूजिक देने का क्या जरूरत पड़ गया? बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आदमी मुखड़ा पकड़ता है, हाँ। दूसरा अंतरा पकड़ता है, तीसरा भाग के प्रोड्यूसर को पकड़ता है, कहीं भाग ना जाए। मुझे तुम्हारा सवाल पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। बहुत ज्यादा हमें भी आपका शक्ल बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया है। बोला कोई बात नहीं बेटा, तुम इस दुनिया में डेमोक्रेटिक कंट्री है, तुम्हारा अपना ओपिनियन भी बनता है। पर तुम मेरे मुंह की छोड़ गए, अपने पति की तरफ ध्यान दो, बच्चे उस पे जाने वाले, मेरे पे नहीं। फिल्मों में गाना ही नहीं बल्कि डायलॉग भी होता है, वो भी गलत होता है कई बार। हाँ। वो डायलॉग है ना, तेरी आंखों की नमकीन गुस्ताखियां वो सब है, तो हम डायलॉग सुन के हमारे जो पड़ोसी हैं उनके सामने आंखों से गुस्ताखी कर दिए। संतोष के भैया को पसंद नहीं आया, हमारे मुंह पे बटर जैम मारा, हमारा मुंह नमकीन हो गया। लेकिन जैम तो मीठा होता है, आपका मुंह नमकीन कैसे हो गया? जब 2.5 मिनट तक जैम को मुंह में रख कर सब गुल्ला करके फिर फेंकते तो नमकीन हो जाता। बेटे देखो उनका कसूर कोई नहीं है, तुम्हारा मुंह पीकदान जैसा है। मैं एक बार घूमने गया आगरा, मेरे को किसी ने शाहजहां का पीकदान दिखाया। मैं तुम्हें देख के मुझे याद आ गई इसकी। मेरा खुद दिल कर रहा है मैं खूब कर दूं, पर मैं पान नहीं खा रहा, इंतजाम कर देता। अरोड़ा साहब आप दूसरों का मुंह देखते रहते, कभी आपने अपना मुंह देखा है? ये तुम्हारा मुंह इसके जैसे, इससे थोड़ा अच्छा है, इतना खराब मुंह है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। आपको पता है मेरा मुंह बहुत अच्छा है, मेरी मम्मी कहती है कि मेरा मुंह फूल जैसा है। फूल जैसा है? आपने वो गाना सुना है जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है? ये वही फूल है। और तू अपने मुंह पे चट्टी डाल के आया कर। क्या बोलते रहता है, आपका मुंह के अलावा कुछ नहीं समझता है क्या? मुंह के अलावा भी बहुत चीज होता है दुनिया में। हाँ वही अलावा देखने के लिए हमारे भैया आपसे शादी किए थे। लेकिन आप तो छलावा निकले, आप अपना संस्कार कभी दिखाए नहीं हमारे भैया को। हैं अच्छा ये बात मुझे इसकी बड़ी अच्छी लगी, मेन बात गोल कर गई। ये बहुत इतनी खुद गोल नहीं जितनी बात गोल कर देती। अच्छा बेटे मेरे को एक बात बताओ, जिंदगी में आपका गोल क्या है, मतलब गोल होने के अलावा और क्या क्या करती हैं आप? देखिए हमारे जिंदगी का गोल है कि हम चौकोर हो जाएं, बस। अब काहे हमारे पीछे पड़े रहते हैं हमेशा। सिद्धू साहब मेरा दोस्त है दिल्ली में, उसके पास 72 मॉडल का लम्बरेटा है, वो जब चलाता है कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। तुम्हारे पीछे वो भी ना पड़े, मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ूंगा? अच्छा मेरे को ये कह रही थी जब शंकर साहब आए मेरे को मिलाना, मुझे बताना है उनसे
पूछना है कि मेरे गले में मिठास है कि नहीं है। मैंने कहा पहले गला तो बता किधर है। परोड़ा साहब यहाँ पर गानों की बात हो रही है, कुत्तों की बात नहीं हो रही। भाई तुम्हें खुश होना चाहिए, गानों के बीच तुम्हारा भी जिक्र हो रहा है। साहब आपने नहीं मानना फिर। नहीं डिबेट नहीं होने देनी आपने। अत्तू जी आप बताइए, नेवली जैसी बहन। हाँ पूछिए। सुअर जैसे भाई साहब। हम गाना है उससे प्रॉब्लम है। उसको गाना नहीं कहते, उसको बाल तोड़ कहते हैं, इससे आपको प्रॉब्लम है। चुप करो वरना भाई बाल तुम्हारे मुंह पे तोड़ देंगे हम। अच्छा मुझे इतना बुरा नहीं लगा जी, इतना बुरा मुझे 1990 में लगा। पैर तो ट्रेक नहीं है, पैर ने कुछ कहा, मैंने कहा नहीं। देखिए मैं जवान निकाल लेनी है अगर तूने 1990 में मैंने कुछ कहा नहीं। क्या हुआ 1990 में, क्या हुआ 1990 में? मेलकम मार्शल ने मुझे जीरो पे आउट कर दिया। बाखोश है। नहीं 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 गलत बोल रहे हैं आप। कार यूनुस था वो आदमी, मैं भूल नहीं सकता। अच्छा मैं इनसे करता हूँ बहुत ज्यादा प्यार। मैंने कहा यार जीरो पे आउट हो गए, मैंने फिर हाईलाइट्स देखी, मैंने कहा हो सकता है इसमें दो स्कोर बना ले, उसमें भी जीरो पे आउट। अच्छा फिर मैंने उसकी डीवीडी निकलवाई उस मैच की, मैंने वहां पे भी लगा के देखा, नहीं जीरो आउट। फिर मैंने जाके यूट्यूब पे देखा, जीरो सेम मैच। 26 साल से मैच देख रहा हूँ, नहीं बना नहीं रहे स्कोर। हाँ बेटे चलो लंगूर जैसे मुंह वाले बोलो। हमें आपके हर बात बुरी लगी, हर बात जो बोलते ना आप, हर बात बुरी लगी। फालतू बात किए ना तो वही खटिया मारेंगे मुंह पे, हम सच कह रहे हैं। हमको इनका बात बुरी लगी हम कह रहे हैं। अच्छा तो हम आपके मुंह पे मारेंगे खटिया अगर कोई ऐसी फालतू बात किया तो। मैं तुम्हें शर्म नहीं आती बुजुर्ग को ऐसे मारते हो? तुम्हें शर्म नहीं, शर्म नहीं आता है क्या? आप कुछ भी बात बोलते रहते हैं। अरे मेरी बात शर्म आना चाहिए। देखो मेरे को शर्म कहाँ से आएगी, मेरे को सर्दी होती छींक नहीं आती, शर्म मेरे को कहाँ से आएगी? अभी लाइव चला जाऊंगा। देखो प्लीज 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 अभी एम्बुलेंस आएगी, रुकिए। देखो मेरी बात ऐसा बेटे बोलते रहते हैं इतना, तुम इतना नहीं है गर्दन नहीं है, कहाँ से लाए गर्दन? अगर आप ऐसे झगड़ा करेंगे तो हम क्या करेंगे? मैं सलाह देता हूँ, भगवान ने इतना एरिया दिया है, बच्चों के लिए प्ले स्कूल बनवाओ इधर। बहुत ही बदतमीज आदमी है ये। तो है बदतमीज, बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे रुकिए कहाँ जा रहा है? क्या भाग रहा है? भाग गया सब। एक बार शंकर एहसान लोगों के लिए जोरदार तालियां। शंकर सर, एहसान सर, लॉयर सर प्लीज यहाँ पे आइए। जाने से पहले हम लोग एक सेल्फी लेते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।